कोई 5 दिन नहीं नहाया ना तो उसके बाल ऐसे हो जाते हैं, घटना हो जाता है, खाया कैसे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आज हम आपको ट्राई करवाएंगे कार्बोनारा। कार्बोनारा? कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है गैस है, लेकिन ये कार्बोनारा ये क्या है? कार्बोनारा यार, नारा तो हम वो शलवार में डालते हैं, वो उसे कहते हैं कार्बोनारा। ये क्या चीज है ये सर? कार्बोनारा एक इटालियन डिश है। अच्छा, अजीब नाम रखा है डिश का। कार्बोनारा तो खुशबू बड़ी जबरदस्त है भाई, काली मिर्चों की और मक्खन की। और ये क्या है? बोटी, ये गोश्त चिकन? ये सर इसमें ना अंडे, चीज, काली मिर्च और चिकन शामिल है। वाह, ये सफेद सफेद, ये मेरे घर में चीज है। जी ये चीज है। और यार इसकी तो खुशबू भी इतनी मजेदार है, खाने में तो और भी। वैसे डिश के अंदर ना पोर्क डाला जाता है, सुअर का गोश्त। अच्छा, ये कार्बोनारा ये तो ऐसा लग रहा है कि जंगल डिश है। जंगल, एक तो हरा जंगल, लेकिन ये कैसा जंगल है? ऐसा वाइट वाइट, अलग ही किस्म का है यार ये। वैसे जो है ना, ये इटली की आपने एक दफ़ा पहले भी डिश खिलाई थी, वो भी मतलब कुछ इस तरह पास्ता मेरे ख्याल में नाम था या कोई इस तरह का था, लेकिन वो भी बहुत ही जायकेदार थी। लेकिन ये इटली वाले मुझे लगते हैं ये सांप बड़े शौक से खाते हैं, और इसको जो है ना मर लीजिए तो खाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को तो सेवैयां लग रही है, लेकिन स्पेगेटी है। लेकिन ये दूसरा, ये ऊपर क्या लगा हुआ वाइट वाइट? ये सर चीज है, पनीर। अच्छा पनीर, लेकिन इसको खाएं कैसे? ऐसे लपेटे इसको फिर खाएं। अब खाएं। है तो बड़ी जबरदस्त भाई। थोड़ा सा मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त। मतलब ये नाम क्या बताया था? नाम भूल गया, मुश्किल है। कार्बोनारा। कार्बोनारा, ये जो कार्बोनारा डिश है तो वाकई बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। बहुत ही अच्छा, मतलब इसका जायका भी बहुत अच्छा है। इसमें जो ये चीज वगैरह डाली हुई है तो उससे और ज्यादा मजा कर रहा है। उसके साथ मुर्गी। मुर्गी के साथ तो बहुत ही मजेदार है यार, बहुत ही कमाल। वैसे यार इसमें ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम पिघल गई वैसा, और ऐसा आमलेट जैसा जायका, इस तरह का जायका। इसमें सर अंडा भी शामिल किया गया ना इसीलिए। और ऐसे क्रीमी, ऐसा नरम नरम, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब सेहत के लिए अच्छा ही होगा यार। बीफ के साथ होता ना तो फिर तो इसका मजा दोबारा हो जाता, क्योंकि बीफ का तो बहुत ही जबरदस्त है उसकी जो ना ये खाया जाएगा। कोई 5 दिन नहीं नहाए ना तो उसके बाल ऐसे हो जाते हैं, घटना हो जाता है, खाया कैसे जाएगा। वैसे यार ये समझ नहीं आते कि जंगल ये बनता कैसे, ये जो ये आटे से किस चीज से? मतलब ये सर आटे से बनता है, पास्ता, स्पेगेटी और वगैरह जो आते हैं ना, इनके लिए एक मशीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आती है, कुछ मैनुअल आती है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म और मुख्तलिफ शेप के हम पास्ता और स्पेगेटी बना सकते हैं। अच्छा, मतलब उस मशीन के जरिए अलग अलग डिजाइन के बनेंगे? जी। वाह भाई जबरदस्त। जो अंडों का, चीज का और ये काली मिर्चों का जो टेस्ट है ना, जायका, ये तो मुझे अपने पाकिस्तानी खानों की याद दिलाता है, इतना जबरदस्त जायका आ रहा है। वैसे यार हम लोग तो आटे से, आटे की एक तो रोटी बनाते हैं, दूसरा अगर कोई सालन ऐसा बनता है तो उसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा आटा डालते हैं, लेकिन यार ये बाहर मुल्क वाले तो आटे की अलग ही चीज़ बना देते हैं, बहुत ही जबरदस्त यार।
बिल्कुल मतलब एक मुख्तलिफ किस्म की चीज बना दी, यानी कि हल्का फुल्का खाना उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है शाम के टाइम, और उसके साथ चाय, क्योंकि हम चाय बड़े शौक से पीते हैं ऐसी चीजों के साथ। वैसे यार हमारे पाकिस्तानी खानों में तो ये कि मिर्चें तेज होती हैं, हम लोग मिर्चें तेज खाते हैं, लेकिन ये इडली वालों की डिश तो इसमें मिर्चें तो नहीं है इतनी, बस काली मिर्चें डली हुई हैं, लेकिन इसका जायका ऐसा मजा कर रहा है कि वाकई यार वाह इडली वाह मजा आ गया, दिल करता बस खाए जाओ इसको, वाकई जायके वाली है। तो का मजीद डिश खाने के लिए आप अपने नाज़रीन से क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई मजीद, मैं तो अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि मुझे इटली की ये डिश बहुत पसंद आई, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन सी डिश खाऊँ, लेकिन इस तरह की ना हो, ये बड़ी मुश्किल से खाना होता है। पसंद आई आज आपको ये कार्बोनारा? मुझे तो आज ये कार्बोनारा बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की थी, बहुत मजा आ रहा खा कर, बहुत ही जायकेदार है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।